बिलासपुर जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूनिट के प्रभारी हेड कांस्टेबल अनिल शर्मा और राजेश ठाकुर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर जवाली के पास मंडी जिले के रहने वाले एक युवक के कब्जे में 138 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। बिलासपुर जिले में चिट्टा माफिया पर नकेल कसने में जुटी हुई जिला पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूनिट के प्रभारी हेड कांस्टेबल अनिल शर्मा और राजेश ठाकुर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर जामली के पास मंडी जिले के रहने वाले एक युवक के कब्जे से 138 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने ये बरामदगी आरोपित की ऑल्टो कार की तलाशी लेने के दौरान की है। आरोपित युवक को पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए बिलासपुर एएसपी भागमल ठाकुर ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बिलासपुर को मिली गोपनीय सूचना के तहत बिलासपुर जिले के जामली के पास नाका लगाकर चेकिंग के दौरान मंडी जिले के जोगिंदर नगर के रहने वाले चिट्टा तस्कर शुभम शर्मा से 138 ग्राम चिट्टे की बरामदगी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सुबह 8:15 मंडी नेशनल हाईवे पे नौनी के समीप एक नाकाबंदी चल रही थी हमारी पुलिस की। एक कार से जब एक कार को रोका गया तो उसकी जो तलाशी लेने की कोशिश की गई तो उस दौरान उसने भागने का प्रयास किया। उसको काबू करके जब गुहाओं के सामने गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 138 ग्राम के लगभग हीरोइन बरामद की गई है। ये लड़का 25 साल का नवयुवक है जो जोगिंदरनगर स्पैडू नामक स्थान का रहने वाला है शुभम शर्मा। इसको हिरासत में लेके केस एनडीबीएस एक्ट के अंडर जो है रजिस्टर कर लिया गया है। आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है।